कल या परसों तूफान आवेगा इस गांव में और दुर्गा की जिंदगी में भी। मारी छोरी मने वापस कर दो। कूतने अच्छे से पहचानो तो इसी ना जिसने मारी छोरी को मारे से दूर किया छोटी सी जब मारे से छेड़ के लेकर गए थे। क्या हुआ है आपको? तने को छूकर मारे सारा शरीर कांप गयो। तुम्हारे छोरी ने जाने छे। दुर्गा सीरियल में फिलहाल हमें काफी एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे सामने एक नया प्रोमो आ रहा है जहां पर हम देख सकते हैं कि इस बार घर जो है, पूरा महल जो है, वो पूरी तरीके से सजा हुआ है। यहां पर हमारी दुर्गा भी एकदम दुल्हन के रूप में सजी हुई है और इसी के साथ कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दूल्हे के तौर पर राजेश तैयार है और दुल्हन के तौर पर हमारी दुर्गा तैयार है, लेकिन कहानी में एक बेहद बड़ा धमाका होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार अनुराग जो है वो दुर्गा के साथ शादी करने वाला है। जी हाँ, प्रोमो में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर दुर्गा और अनुराग दोनों एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं, वरमाला पहनाते हैं और यहाँ पर अनुराग दुर्गा से कहता है कि चलो फाइनली हमारी शादी हो गई और दोनों बेहद खुश हैं, दोनों एक दूसरे को हग करते हुए नजर आ रहे हैं प्रोमो में। और इसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है पानी बाई की। जी हाँ दोस्तों, अब ये प्रोमो देखकर ऐसा लग रहा है कि अनुराग ने इस बार चोरी छिपे हमारी दुर्गा के साथ शादी रच ली और ये सच्चाई जैसे ही पानी बाई के सामने आती है तो अब क्या का होगा ये देखना बहुत ही मजेदार होगा। फिलहाल आपको बता दूं कि कहानी में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई मेले में इस बार विक्रम और पानीबाई ने राजेश से दुर्गा के साथ शादी की बात कर दी है। अब यहाँ पर राजेश बेहद खुश है क्योंकि उसकी शादी दुर्गा के साथ हो रही है और दुर्गा की आड़ में इस बार उसने कई सारे डिमांड्स कर लिए हैं विक्रम से। उसने 4 बीघा जमीन मांग ली है और वो इसकी आड़ में कहता है कि भाई दुर्गा का चरित्र अच्छा नहीं, उसे शादी करनी है तो इतना तो देना बनता ही है। और आपको बता दूं कि इस बार विक्रम 4 बीघा जमीन देने को भी मान जाते हैं और राजेश भी दुर्गा से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। फिलहाल आने वाले एपिसोड में दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई हमारे दुर्गा और अनुराग जो है काफी रोमांटिक सीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। दोनों काफी क्यूट मोमेंट में दिखाई देंगे। आपको बता दूं कि यहां पर हमारे अनुराग ने उस मन्नत वाले पेड़ को इतने खूबसूरत तरीके से सजा दिया है कि भाई हमारी दुर्गा जो है बेहद सरप्राइज हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और इसी के साथ राजेश ने दुर्गा और अनुराग की कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर ली है और इस बार ये पिक्चर्स विक्रम के पास पहुंचती है जिसकी वजह से उसका गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। और इस बार विक्रम ने डिसाइड कर लिया है कि वो जल्द से जल्द दुर्गा की शादी कर देगा। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई हमारी दुर्गा के स्कूल में एक अवार्ड गिविंग फंक्शन रखा गया और इस बार दुर्गा को सम्मानित किया जा रहा है अवार्ड से। और इसी बीच यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई विक्रम के दिमाग में दुर्गा को लेकर एक नई चाल सामने आई है, लेकिन वो चाल क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।